नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने प्रदेश सरकार पर विकास को लेकर बोला तीखा हमला, जहां बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने विकास के मामले पर हो रही बयानबाजी पर दिया तीखा जवाब। वहीं अभिषेक राणा ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में चरमराई हुई है स्वास्थ्य सुविधाएं। अनुराग ठाकुर के दिल्ली चुनाव प्रचार पर रोक पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने चुटकी ली है। अभिषेक राणा ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अनुराग ठाकुर ने दो बार प्रदेश का सिर पूरे देश के सामने किया है शर्मसार। हमीरपुर जिला में कुछ दिनों से गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गिरोह बड़ी शातिरता से चुरा रहा है टायर। ऐसी ही घटना गत दिनों जाहू बाजार में हुई है घटित। टायर चोरी करने वाले लोगों की गाड़ी को पकड़ लिया है और जल्द ही आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, कहा SP अर्जुन सेन ने। जिला हमीरपुर में नगर परिषद की मासिक बैठक का किया गया आयोजन। मासिक बैठक की अध्यक्षता की नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने। मासिक बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से की गई चर्चा।